यानी सीसन के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं बता दूं आपको कि जो पहली सीजन होता है वो बेलनाकार नारियल मैथुनांग होता है। याद रखना बेलनाकार नर मैथुनांग होता है जो जो उत्थानशील उत्को द्वारा बना होता है, जो उत्थानशील उत्को द्वारा बना होता है। अब यहां बता दूंगा आपको इस पेनिस का जो निर्माण जो होता है वो दो प्रकार के उत्को द्वारा होता है। अब दो प्रकार के जो उत्तक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इधर देखना। दो प्रकार के उत्तक जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक बोलते हैं अपने एक बोलते हैं कार्पस कैवर्नोसा, ये अपन ये कह सकते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। ये दूसरा जो होता है वो होता है कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो ये वाले यहां कार्पोरा कैवर्नोसा मैंने बताया। यहां पर जो पेनिस का जो निर्माण जो होता है वो दो प्रकार के उत्को द्वारा होता है। इसके अंदर तीन आयामी छड़े होती है। अब दो प्रकार के उत्तक मैंने बताया, ये यहां से लेके यहां तक जो होते हैं वो कार्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं, और दूसरा जो उत्तक जो होता है वो यहां इसे बोलेंगे कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। याद रखना कार्पोरा स्पॉन्जियोसम ये होता है मूत्र मार्ग, क्या बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं। कहने का मतलब अब इधर ये भी देखना कि इसके अंदर उत्को के अंदर जैसे कार्पोरा कैवर्नोसा जो होता है इसके अंदर दो आयामी छड़े पाई जाती है। इनकी संरचना ऐसी होती है, दो प्रकार के आयामी छड़े पाई जाती है। और जो कार्पस या कार्पोरा स्पॉन्जियोसम जो होता है इसमें छड़े केवल एक होती है, छड़े एक होती है। तो कहने का मतलब है तीन प्रकार की आयामी छड़े पाई जाती है, दो प्रकार के उत्को द्वारा इसका निर्माण होता है कार्पोरा कैवर्नोसा, और दूसरा जो होता है वो कार्पोरा स्पॉन्जियोसम द्वारा होता है। एक यहां पर एक क्रिया होती है या एक कंपटीशन आएगा क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहां पर होता है जैसे सरकमशीशन ये क्या होता है, धार्मिक परंपराओं के अनुसार ये मुसलमानों के अंदर एक क्रिया होती है जिसमें प्रीपियस को काटकर हटा दिया जाता है। पेनिस का आगे का भाग जो होता है जिसे अपन प्रीपियस बोलते हैं उस भाग को हटाकर उसको हटा दिया जाता है, और वो जो क्रिया जो होती है वो सर्कमसिशन कहलाती है। क्या कहलाती है, सर्कमसिशन कहलाती है। अब नेक्स्ट जो होता है अगर बात करें कि जो पेनिस जो होता है इसका जो शीर्ष खुलावा भाग जो होता है वो ग्लास पेनिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लास पेनिस कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मादा जनन संधि, मादा जनन तंत्र या बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहां पर बता दूं मादा जनन तंत्र जो होता है इसका जो प्राथमिक जननांग की बात करें तो क्या होता है, अंडाशय ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं अंडाशय को। ऐसे ही अगर नर का प्राथमिक जननांग आप लोगों ने पढ़ चुके नर का प्राथमिक जननांग की अगर बात करें तो नर का जो प्राथमिक जननांग जो बताया था मैंने आपको क्या होता था, टेस्टिस या अपन कहते हैं वर्षण। ऐसे ही मादा जो प्राथमिक जननांग जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंडाशय। क्या होगा, अंडाशय। और अंडाशय को क्या बोलते हैं, ओवरी ओवरी। अब देखना इधर नेक्स्ट यहां पर जो अंडाशय का जो निर्माण जो होता है वो कौन से स्तर द्वारा होता है, तो यहां देखना
मीजोड्रम के द्वारा, किसके द्वारा निर्माण होता है? मीजोड्रम के द्वारा होता है। यहां पर अगर संख्या की अगर बात करें, संख्या की अगर बात करें तो संख्या जो होती है वो कितनी रहेगी? एक जोड़ी। संख्या की अगर बात करें तो कितनी रहेगी? एक जोड़ी। उत्पत्ति की अगर बात करें कि जो अंडाशय की जो उत्पत्ति जो होती है वो कौन से जनन स्तर द्वारा होती है, तो याद रखना मीजोड्रम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? मीजोड्रम के द्वारा होती है। अगर यहां पर अगर अंडाशय की अगर संख्या की अगर बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। अगर यहां पर इसकी अगर लंबाई की अगर बात करें कि लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, ये भी याद रखना, एक से तीन सेंटीमीटर। कितनी होती है? एक से तीन सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। कहां उपस्थित होता है? वो श्रोणी क्षेत्र में उपस्थित होता है। अगर इसकी उपस्थिति की अगर बात करें तो कहां? वो श्रोणी क्षेत्र में, श्रोणी क्षेत्र में उपस्थित, श्रोणी क्षेत्र में उपस्थित। रंग इसके अलावा जैसे रंग की अगर बात करें तो रंग जैसे कैसा होता है? गुलाबी होता है। आकृति की अगर बात करें तो अंडाकार होता है, रंग गुलाबी। आकृति की अगर बात करें तो कैसा होता है? बादामाकार भी कह सकते हैं, अंडाकार भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये मादा जनन तंत्र का जो प्राथमिक जननांग जो मैंने बताया आपको वो क्या होता है? ओवरी या अंडा से उत्पत्ति में जो ड्रम के द्वारा होती है। संख्या कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। लंबाई जो होती है वो एक से तीन सेंटीमीटर उपस्थित है, श्रोणी क्षेत्र में उपस्थित है। अगर रंग की अगर बात करें तो रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। इसके बाद में लेते हैं अंडाशय की संरचना, ओवरी की संरचना। अंडाशय की संरचना या आंतरिक संरचना, तो इधर अंडाशय की संरचना में इसके स्तर की अगर बात करें कि जो इसके स्तर जो होते हैं वो तीन स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इधर देखना, यहां लिख देते हैं तीन स्तर। अब तीन स्तर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक नंबर की बात करें तो पहला जो स्तर जो होता है वो कौन सा होता है? आंतरांग पेरिटोनियम। आंतरांग याद रखना, आंतरांग पेरिटोनियम पहला स्तर हो गया, आंतरांग पेरिटोनियम। दूसरे स्तर की अगर बात करें, दूसरे स्तर की अगर बात करें वो होता है जनन उपकला। कौन सा होता है? जनन उपकला। अगर तीसरे स्तर की अगर यहां बात करें तो वो स्तर जो होता है वो होता है युनिका। युनिका एल्यूजिनिया। युनिका एल्यूजिनिया। तो कहने का मतलब है अंडाशय की संरचना के कितने स्तर हो गए? तीन स्तर हो गए। आंतरांग पेरिटोनियम यहां पर लिख सकते हैं कौन है? ये बाहरी स्तर। कौन सा स्तर होता है? बाहरी स्तर। और यहां पर लिख सकते हैं ये जो होता है वो कौन सा होता है? मध्य स्तर। मध्य स्तर। और तीसरा जो होता है एल्यूजिनिया, ये जो होता है वो आंतरिक स्तर होता है। कैसा स्तर होता है? आंतरिक स्तर। चित्र के द्वारा समझे तो चित्र के अंदर देखो इधर ये तीन स्तरों का बना स्तर होता है अंडाशय की संरचना के। तीन स्तर जो सबसे बाहरी जो होता है वो होता है आंतरांग पेरिटोनियम। कौन सा होता है? आंतरांग पेरिटोनियम। अगर यहां पर मध्य स्तर की अगर बात करें तो वो होता है जनन उपकला। कौन सा होता है? जनन उपकला। और तीसरे स्तर की जो आंतरिक भाग में जो था वो कौन सा है? युनिका एल्यूजिनिया। युनिका एल्यूजिनिया। तो युनिका एल्यूजिनिया ये इसके तीन स्तर हो गए। किसके? अंडाशय की आंतरिक संरचना में अगर बात करें तो इसके तीन स्तर हो गए। बाहरी स्तर की बात करें तो आंतरिक पेरिटोनियम, जनन उपकला, तीसरे जो होता है युनिका एल्यूजिनिया। इधर नोट करना, युनिका एल्यूजिनिया आपने वसन की आंतरिक संरचना आपने पढ़ी थी। वसन की आंतरिक संरचना में मैंने बताया आपको कि जो सबसे बाहरी भाग था वसन की संरचना के अंदर वो था ट्यूनिका वेजेनेलिस। अब वहां आंतरिक स्तर की अगर बात थी तो आंतरिक स्तर जो होता वहां क्या था? ट्यूनिका एल्यूजिनिया। अब यहां पर बात करते हैं एक आता है यहां पर स्ट्रोमा। देखना इधर क्या होता है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की अगर बात करें तो इधर देखना स्ट्रोमा भाग जो होता है ना
अंडाशय की संरचना में संयोजी ऊतकों का बना क्षेत्र होता है जो दो प्रकार का बना होता है या दो भाग होते हैं उसके। तो देखना यहां पर बात करें स्ट्रोमा। मोस्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो देखना ये स्ट्रोमा क्या होता है। स्ट्रोमा जो होता है वो अंडाशय की संरचना में, किसकी संरचना में, ओवरी की संरचना में या अंडाशय की संरचना में संयोजी ऊतकों का अंडाशय की संरचना में, अंडाशय की संरचना में संयोजी ऊतकों का बना क्षेत्र होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतकों का बना क्षेत्र होता है जिससे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर देखना इस स्ट्रोमा के दो भाग होते हैं। अब इस स्ट्रोमा को कितने भागों में बट गया है? दो भागों के अंदर। अब इधर देखना जो पहला भाग जो होता है वो होता है वल्कुट। क्या कौन सा भाग होता है? वल्कुट। याद रखना पहला भाग जो होगा वल्कुट, और वल्कुट को वैसे क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स, कोर्टेक्स बोलते हैं। और दूसरा भाग की अगर यहां बात करें स्ट्रोमा का, जो दूसरा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? मेडुला। याद रखना मेडुला, या इस मेडुला को बोलते हैं मध्यांश भाग। क्या बोलेंगे? मध्यांश भाग बोलते हैं। अब इधर ये भी याद रखना कि जो वल्कुट जो क्षेत्र जो होता है या कॉर्टेक्स क्षेत्र जो होता है ये सघन भाग होता है। कौन सा भाग होता है? सघन भाग होता है। सघन भाग की अगर बात करें तो कौन सा भाग होता है? कॉर्टेक्स, या बोलेंगे इसको वल्कुट भाग। और दूसरा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? मेडुला, या बोलते हैं इसको मध्यांश भाग। ये कैसा भाग होता है? केंद्रीय भाग होता है। कैसा होता है? केंद्रीय भाग की अगर बात करें तो वो होता है मेडुला भाग। कौन सा भाग होता है? मेडुला भाग। अब देखो इसमें कौन कौन सी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो इधर देखना कि जो वल्कुट भाग होता है ये सघन भाग होता है, इसके अंदर स्पिंडल कोशिकाएं, स्पिंडल सेल होती है, अंडपुट्टिका ठीक है, आदि कोशिकाएं इसके अंदर भाग होती है। किसके अंदर? वल्कुट कोशिका के अंदर, या वल्कुट भाग के अंदर ही। और दूसरा भाग जो होता है मेडुला भाग, केंद्रीय भाग होता है, इसके अंदर रक्त वाहिनियां अंडपुट्टिकाएं, याद रखना रक्त वाहिनियां अंडपुट्टिकाएं, ये सेल्स जो होती है ये मेडुला के अंदर आती है, या मेडुला बोलते हैं मध्यांश भाग बोलते हैं। और वल्कुट जो होता है उसको क्या बोलेंगे? इसको कॉर्टेक्स भाग बोलते हैं। कैसा भाग होता है? सघन भाग होता है। स्पिनल सेल आ जाएगी, इसके अंदर अंडपुट्टिका जाएगी, और मेडुला जो होता है मध्यांश भाग होता है, केंद्रीय भाग हो गया। एक मैंने आपको यहां पर बताया, मैंने आपको स्ट्रोमा जो था, स्ट्रोमा क्या होता है? अंडाशय की संरचना में संयोजी ऊतक का बना महाक्षेत्र होता है ठीक है, या अंडाशय की संरचना में बना क्षेत्र जो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? एक को कॉर्टेक्स या इसको बोलते हैं वल्कुट, दूसरा भाग जो होता है वो कौन सा होता है? मेडुला, या इसको बोलते हैं मध्यांश भाग। क्या बोलते हैं? मध्यांश भाग बोलते हैं ठीक है। यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखो